हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही गुड न्यूज निकल कर आ रही है। वो निकल कर आ रही है बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023। देखो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको विध प्रूफ आपको बताने वाला हूँ, हर एक चीज की जानकारी आपको सबूत के साथ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए दोस्तों। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप जरूर करना, यदि नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। बात करूंगा एग्जाम डेट की, बात करूंगा एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, फॉर्म चाहिए, काम चालू हो गया क्या। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने आज से लगभग 10 दिन पहले ये बात बोली थी कि आपका एग्जाम 16 मई को हो सकता है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों। अब मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाया था वेटरनरी स्टाफ के ऊपर, एक वीडियो बनाया था प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, ठीक है। ये दो वीडियो मैंने बनाए थे जिसमें मैंने बोला था कि आपकी एग्जाम 16 अप्रैल को होगी, और ये ट्रेडमैन के बता रहा हूं मैं 16 मई। क्या बता रहा हूँ? 16 मई, और इसकी बताई थी मैंने 16 अप्रैल, बिल्कुल बताई थी, नहीं बताई। पर वो का वो हुआ दोस्तों, मतलब आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है दोनों का, और आपकी एग्जाम डेट भी 16 अप्रैल रखी गई है। यह चीज अपने दिमाग में डालो दोस्तों। बात करूं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, वो बच्चे अभी भी डाउट में है कि पहले फिजिकल होगा या रिटन होगा। देखो दोस्तों, साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, आपका सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। वो भी यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम हो, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने की चर्चा यहाँ पर चल रही है। पर जहां तक मेरा अनुमान है, बीएसएफ ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीएसएफ भाई जाहिर सी बात है, ट्रेडमिल का एग्जाम एक दिन में पूरा होता है, और सीबीटी करवाएंगे तो वो 10 से 15 दिन लगेंगे। यह बात आपको बतानी चाहिए। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपकी एग्जाम है ना, वो हो सकता है ऑफलाइन ही रखी जाए, जहां तक मेरा मानना है। बात करूं यहाँ पर कि क्या फोरम का चेकिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फोरम चेकिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। आप कई कैंडिडेट बोलेंगे सर स्टेटस नहीं दिखा रहा है, स्पेशली मैं एक चीज आपको रात की बात बता रहा हूँ, कभी भी याद रखना, फोरम स्टेटस दिखाते ही आपको 2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ जाता है, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका फॉरम चेकिंग हो चुका है, आपका एडमिट कार्ड बन चुका है, कौन सी जगह आपको सेंटर देना वो सारा काम हो चुका होता है। केवल उनको एक क्लिक के ऊपर जो फॉरम अप्रूव्ड है उन फॉरम को अप्रूव्ड दिखाना होता है, और जो फॉरम रिजेक्ट है वो रिजेक्ट दिखाने होते हैं, और आपका एडमिट कार्ड उसी दिन आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है। ये चीज अपने दिमाग में रखना दोस्तों। बात करूं मैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड कब तक देखने को मिल सकता है। देखो 16 मई को यदि एग्जाम है ना, तो आपको बताऊं 8 मई के लगभग आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर फॉरम स्टेटस है ना, वो 1 मई से पहले पहले आपके वेबसाइट आपकी प्रोफाइल के अंदर अपडेट हो जाएगा। जैसे अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा कि कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के फॉरम अप्रूव होना स्टार्ट हो गए, वो चीज एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। बात करूं यहाँ पर एडमिट कार्ड बता दिया, एग्जाम डेट मैंने बता दी, फॉरम से क्या काम चालू बता दिया। अब एक चीज और बता दूं, कई कैंडिडेट अभी डाउट्स में है कि सिलेबस क्या होगा, क्या इंग्लिश भी आएगा क्या? नहीं दोस्त, इंग्लिश नहीं आएगा। बात कर लेते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 भर्ती के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ रही है, वो आ रही है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जो कि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें पहले आपका पेपर होने वाला है वो आपकी उसी पहले पेपर के अकॉर्डिंग ये बुक बनाई गई है, जिसको आप बिल्कुल देख सकते हो। सिलेबस आपका दिया गया है, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपका इसके अंदर सिलेबस दिया गया, और सिलेबस को पूरा कवर भी किया गया है। ये चीज भी अपने दिमाग में डालो दोस्तों, बिल्कुल आपको यहाँ पर बताया गया हर एक चीज की यहाँ पर अपडेट दी गई है दोस्तों। देख सकते हो पूरा का पूरा रीजनिंग, मैथ, हिंदी सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया। तो दोस्तों जो देख सकते हो, इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक में मिलता क्या क्या वो चीज बता देता हूँ मैं आपको। इस बुक में आपको 2800 भविकल्पिक पर्सन मिलेंगे दोस्तों, इसके साथ में और क्या मिलेगा दोस्तों ये भी बताता हूँ मैं आपको। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर ऐलान है, ये आपकी स्टडी गाइड, आपका मतलब कि स्टडी मटेरियल और आपका प्रैक्टिस सेट दोनों में ये बुक आ चुकी है, तो इन दोनों का आप बुक को परचेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। एक में आपको 2450 क्वेश्चन 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एक में 2850 क्वेश्चन 2800 क्वेश्चन, जो कि आपका बिल्कुल ही सेपरेटिव तरीके से इसको कोर्स को पूरा किया गया, तो इस बुक को आप खरीद सकते हो दोस्तों। याद रखना हिंदी और इंग्लिश एक सेपरेट दोनों सब्जेक्ट्स हैं, जिनके अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। हिंदी आप कर सकते हो, इंग्लिश आप कर सकते हो। इसके बाद बात करूं मैथ की, तो मैथ आपका 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आपके 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, जीके एंड जीएस के आपके 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, टोटली 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है। टोटली 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है, जो कि आपको बता रखा है 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। इस बार जो कैंडिडेट पास होंगे ना, वो 6 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। मैं स्पेशली बताऊं तो लगभग लगभग 7000 प्लस कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ऐसे मानना है कि हमारी वैकेंसी कितनी है,
7000, हमें 7000 के अंदर आना है फर्स्ट बार में, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे दोस्तों। ये चीज हमने दिमाग में रखो, तो 7000 के अंदर आ जाओगे तो 99% आपकी जो भी हो जाएगी, क्योंकि इस बार बाद में फिजिकल भी आपका यहाँ पर, बाद में ट्रेड भी है, बाद में मेडिकल भी है, बाद में री मेडिकल भी है, चाहे सी बात है। एक चीज बताऊं मैं आपको, यदि 100 बंदों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है ना, कोई भी हो, रिटर्न एग्जामिनेशन हो कोई भी हो, तो 60% बंदे आते हैं। इसमें 60 नहीं आएंगे तो इसमें 80 मान लो 80 बंदे आएंगे, 80 बंदों में से बता दूं आपको 40 बंदे यहाँ पे फिजिकल पास होंगे, 40 बंदे यहाँ पर फिजिकल पास होंगे, और जाहिर सी बात है 40 बंदों में से हाइट चेस्ट वेट उठाकर लगभग 30 बंदे बचेंगे, तो जाहिर सी बात है एक पोस्ट पर 3 बंदे बचेंगे मेडिकल के लिए, और मेडिकल के लिए एक पोस्ट पर 3 होंगे, तो 1 से 2 बंदों को तो कहीं ना कहीं रेफर मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज आना, आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो सकता है, यदि आपने कुक वाटर कैरियर से फॉर्म भरा तो। ये चीज आपके सामने में लेकर आ रहा था दोस्तों। ये 16 मई की एग्जाम डेट मैंने आपको बहुत दिन पहले बताई थी, पर अभी आपके जो बड़े यूट्यूबर है वो भी इसको लेकर उठ रहे हैं, भाई 16 मई की एग्जाम डेट हो सकती है, हो सकती नहीं, 101% है, छाती ठोक के कह रहा हूं। यह चीज अपने दिमाग में रखो, 16 मई को टारगेट कर लो, 16 मई को यदि आपने टारगेट कर लिया तो इस बार आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। बाकी देखो आगे जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपका भाई आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेता साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।